हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो कैसे हो आप सब? तो वैलेंशिया वॉर से रियल मैड्रिड का मैच वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, बिकॉज बहुत मुश्किल से अभी भी मैंने टाइम निकाला इस मैच के लिए। और गाइस, बात करें जो इसकी फाइनल टीम आएगी, वो आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो कि गाइस मैंने आपको ये दिखा दिया है। एक्चुअली लिंक काम नहीं कर रहा, तो मैं लिंक अभी नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर फटाफट आकर जुड़ सकते हैं दोस्तों बिना किसी टेंशन के। और गाइस, बढ़ते हैं हम इस वीडियो बढ़ने से पहले बता दूँ कि हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। एक्चुअली वैलेंशिया टीम सीज़न के अंदर उनके स्क्वाड में बदलाव नहीं है, स्क्वाड में बदलाव है रियल मैड्रिड के। रियल मैड्रिड में एक प्लेयर था, मैं आपको बताता हूँ, विनिकियस जूनियर को पिछले मैच में इन्होंने कम मैचेस खिलवाए, जबकि विनिकियस जूनियर इस सीज़न बहुत चला है। इनको लग रहा होगा कि जो रियल मैड्रिड एक दो मैच हारी भी थी तो वो उसकी कमी पूरी होगी, लेकिन के बेंजेमा इट्स अ बीस्ट भाई, बहुत टॉप का प्लेयर। और मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जी बेल आ गया, जे अलाबा आ गया, तो रियल मैड्रिड तो और स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर सर्जियो रैमस निकल भी गया टीम से तो कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करूँ यहाँ पर मैं गोल कीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर जर्जियो को। तो देखो यार, यहाँ पर लेना बनता ही वैलेंशिया का गोल कीपर है। आपको पता है मैंने पूरी टीम एनालाइज़ की है, लेकिन गोल कीपिंग मैंने एनालाइज़ नहीं की, सच बता रहा हूँ। और क्यों नहीं की? पेनल्टी कोई भी रोक सकता है, मैं आपको लिटरली बता दूँ। मैं कहता हूँ अगर पेनल्टी रुकते हुए हाथ भी लग गया ना, तो उसके भी 50 पॉइंट मिलेंगे, भले ही गोल हो जाए बाद में भले ही कोई और प्लेयर गोल कर दे थर्ड पर्सन, लेकिन ये बात है, ये पता होना चाहिए आपको कि गोल कीपर हमेशा ऑपोजिट लेना चाहिए। मैं मानता हूँ दो चार दिन से मतलब ऑपोजिट गोल कीपिंग नहीं चल रही, लेकिन आप लोग तो पेनल्टी टेकर भी नहीं लेते, इस पेनल्टी टेकर तो ज़रूर लो। बात करें डिफेंडर की, डी कारवेजल को लूँगा। अब आप डैनी कारवेजल को अच्छी तरह जानते हो, वरना मैं चाहता अलाबा के साथ जाता, लेकिन अलाबा ने पिछला मैच नहीं खेला, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खिलवाया, एज अ सब्स्टिट्यूशन में भी नहीं था वो प्लेयर। और ई मिलिटाओ की बात करूं, मिलिटाओ को फोर्थ डिफेंडर से थर्ड डिफेंडर बना दिया इन्होंने, इसका मतलब है अलाबा की वापसी भी हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो ई मिलिटाओ सब्स्टिट्यूट होगा जल्दी, अगर नहीं हुई वापसी। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे है अनदर प्लेयर मिगुअल भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन बंदे ने असिस्ट ही बहुत टॉप की थी, मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे जब भी मैं इसको ड्रॉप करने की सोचता हूँ तो मेरे को इसकी पिछली असिस्ट याद आती है, और असिस्ट टॉप की थी इस प्लेयर की, आप जाकर देख सकते हो रियल मैड्रिड की तरफ से जो इस बंदे ने असिस्ट की थी। 5 बंदों के बीच में से इसने बॉल ऐसे निकाली जैसे कि इनविजिबल है, मैं लिटरली सच बता रहा हूँ। बात करें मिडफील्डर की, सोलर पिछले सीज़न में फ्लॉप हो गया था, लेकिन इस सीज़न शुरुआत भी अच्छी, प्लेयर का कमबैक हो गया है। मतलब आप देखो, मैं आपको सही बात बताऊं तो ये प्लेयर, ये जो आप देख रहे हैं ओएसए के खिलाफ जिस बंदे ने 2 असिस्ट की थी, वो असिस्ट थी क्या बोलूं, इसने मैं सिर्फ कहता हूँ चांस दिया था, ये गोल खुद भी कर सकता था सेकंड वाला, लेकिन लिटरली ग्रेट असिस्ट। और आगे से बात करूं मॉड्रिक की वापसी हो तो गई, लेकिन गया कौन? जी बेल। और अगर जी बेल अगर आज का मैच नहीं खेलता तो विनिकियस का गोल हो सकता है, मॉड्रिक का गोल हो सकता है, क्योंकि मॉड्रिक किसी से कम नहीं है रियल मैड्रिड के रिकॉर्ड्स में, एज अ थर्ड फोर्थ नंबर पर मॉड्रिक का नाम भी आता है। आगे से बात करूँ केसमीरो को मैंने एज अ थर्ड पर्सन रखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं शायद इसको ड्रॉप ही ना कर दूँ, ठीक है, सच बताता हूँ मैं। और आगे से बात करें वास की, डी वास रेगुलर असिस्ट कर रहा है, तो रेगुलर असिस्टर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने चेल्सी की टीम में भी देखा, जो प्लेयर आज तक मतलब जो इतनी मुश्किल से गोल करते थे, वो लिटरली अपन लोगों की टीम में थे, जिनकी सिलेक्शन भी 30-35% से ऊपर नहीं थी, और अल्ट्रा क्लीन स्वीप भी लगी है। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, के बेंजेमा को तो मैं कहता हूँ लिटरली कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो छोड़े, अगर कोई इस प्लेयर को इन लाइनअप्स में आकर छोड़ता है तो मैं कहता हूँ भाई वो पर्सन ठीक ही ना बनाए, क्योंकि इस प्लेयर को कोई नहीं छोड़ेगा, अगर ये खेल रहा है तो कोई नहीं छोड़ेगा। विनिकियस जूनियर की बात करूँ, जूनियर है फॉर्म में एज अ सब्स्टिट्यूशन, इसको भेजा था सब्स्टिट्यूशन में, वही किया जो एक प्लेयर को करना चाहिए था, मतलब मैं कहता हूँ ये तो डेब्यू भी नहीं है, इट्स नॉट अ डेब्यू एंड, ये तो पिछले सीजन से खेल रहा है, फिर भी इतनी अच्छी फॉर्म दिखा दी सीधा भाई, बहुत बढ़िया है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, पिछले मैच में खेला जी ग्यूटस, और जी ग्यूटस किसी की भी मतलब ऑलमोस्ट सबकी टीम में था, एम गोमेज़ किसी की भी टीम में नहीं था, जबकि गोमेज़ ने पिछले मैच में किया गोल। गोमेज़ को मैं लेना चाहता था, बट इट्स इम्पॉसिबल टू टेक, बिकॉज मैं चार स्ट्राइकर कोई नहीं ले सकता। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है बेंजेमा, वाइस कैप्टन है विनिकियस जूनियर। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।